और अब बात करते हैं ओमिक्रॉन की। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के मद्देनजर प्रदेश में कोरोना जांच और टीकाकरण तेज कर दिया गया है। रेलवे स्टेशनों पर भी कोरोना जांच की जा रही है। पटना जंक्शन पर कोरोना जांच की व्यवस्था की गई है। बाहर से आने वाले यात्रियों की जांच की जा रही है। गोपालगंज में कोरोना से के संभावित ओमिक्रॉन से निपटने की तैयारी की जा रही है। ये जानकारी देते हुए थावे के प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि टीका लगाओ इनाम पाओ अभियान के तहत दूसरे डोज लेने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। लकी ड्रॉ डीएम साहब के द्वारा निकाला गया था, उसमें थावे ब्लॉक में अभी 11 लोगों का लिस्ट हम लोगों के पास आया हुआ है, जिसमें आज 7 लोग उपस्थित हुए हैं। उन लोगों को हम लोगों ने यहाँ उनका जो प्राइस था वो दिया गया है, जिसमें इंडक्शन चूल्हा है और थर्मस है। इसी तरह से ये साप्ताहिक प्रोग्राम रहेगा, आगे भी लकी ड्रॉ जैसे निकलते रहेंगे और इनके जो विजेता होंगे उनको यहाँ पर पुरस्कृत किया जाएगा। मैंने समय पे अपना दूसरा डोज वैक्सीन लेना लिया, जिस वजह से मुझे इस ये जो है पुरस्कार मिला। और मैं ये चाहूँगा कि जो भी लोग हैं जिन्होंने अब तक दूसरा डोज अब तक नहीं लिया हुआ है, वो जल्द से जल्द लें और अपने आप को सुरक्षित करें।